बेगूसराय के अपराध की दुनिया का आतंक और 50,000 का इनामी अपराधी राम भरोसे सिंह आखिरकार पटना स्ट्रेप के हाथ चढ़ गया है। वर्षों से पुलिस की पकड़ से दूर राम भरोसे सिंह की गिरफ्तारी झारखंड के जमशेद टाटा से की गई है। इस पर हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट कुल 17 मामले के आरोपी राम भरोसे सिंह चर्चित पीयूष हत्याकांड से सुर्खियों में आया था, जिसके बाद वो बेगूसराय में अपराध की दुनिया में अपना एक मुकाम बनाया। आपको बता दें चले कि बिहार पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ पटना की टीम ने बेगूसराय के कुख्यात अपराधी राम भरोसे सिंह को झारखंड के टाटा से गिरफ्तार कर लिया है। राम भरोसे सिंह पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। मुख्यालय डीएसपी निशित प्रिया ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र स्थित रतनपुर निवासी राम बालक सिंह का पुत्र राम भरोसे सिंह जिला का कुख्यात अपराधी है। इसके विरुद्ध हत्या, रंगदारी, लूट, गोलीबारी, नगर निगम में गोलीबारी समेत 17 से अधिक मामले दर्ज है तथा वह लंबे समय से फरार चल रहा है। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार पीछे पड़ी हुई थी। इसी बीच रविवार को एसटीएफ की सूचना मिली कि राम भरोसे सिंह झारखंड में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए एसटीएफ की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। राम भरोसे की गिरफ्तारी कई बड़े मामले का खुलासा होने की संभावना है। निशित प्रिया ने बताया कि राम भरोसे सिंह के विरुद्ध नगर थाना, रतनपुर ओपी, उपस्थित थाना, नवकोटी थाना, बरौनी थाना आदि में मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद विभिन्न मामलों में कई बड़े खुलासे होने की संभावना बताई जा रही है। अभी जेल भेजा जा रहा है, जल्द ही पुलिस उसे रिमांड पर लेकर फिर पूछताछ करेगी। इधर चर्चा है कि राम भरोसे को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है तथा उसकी निशानदेही पर एक अन्य अपराधी भी पकड़े गए हैं, लेकिन पुलिस इस संबंध में अभी कुछ नहीं बोल रही है तथा जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। बीएनबी न्यूज के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। इसकी गिरफ्तारी पटना की थाना जमशेदपुर से की गई है और इसका काफी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। बेगूसराय में सिर्फ इस पर लगभग 17 केस है। फिलहाल इसको रतनपुर थाना काउंट संख्या 72 में हम लोग अभिशारित कर रहे हैं और बाकी केस में इसको रिमांड कर रहे हैं। इसके पास से कोई बरामद भी हुआ था क्या? नहीं, बरामद भी इनके पास से। कितने दिनों से फरार चल रहा था ये? काफी 2019 में हम लोग इसको जेल भेजे थे और 15-20 दिन के बाद ये छूट गया था। उसके बाद ये फिलहाल ही है। जो इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है वो क्या है, मतलब किस तरह के हैं ये? इनका आपराधिक पृष्ठभूमि हर तरह का क्राइम है। बेगूसराय का बहुत चर्चित हत्याकांड, एक पुरुष हत्याकांड हुआ था 2014 में, इसमें इसकी संलिप्तता थी। इसके बाद आर्म्स एक्ट, रंगदारी जैसे मर्डर बहुत सारे।